हे गाइस एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में जो कि निकल के आई है इन सभी से एंड फॉर दिस वॉच वीडियो टिल दी एंड। अब देखो पहली अपडेट है क्लैश के ऊपर जो कि होने वाला है इन चार मूवीज के बीच में लाल सिंह चड्ढा और KGF चैप्टर 2 में 14 अप्रैल 2022 को और दूसरा क्लैश है रनवे 34 और हीरोपंती 2 में 29 अप्रैल 2022 को। बाय द वे रनवे 34 में आपको देखने को मिलेंगी अमिताभ सर एंड अजय सर और साथ ही आपके लिए एक सवाल कि लाल सिंह चड्ढा और KGF 2 में से आप सबसे पहले कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे तो नीचे #LSC या फिर #KGF2 कमेंट करके अपना ओपिनियन देना मत भूलना। और वहीं अगर बात करें रणबीर कपूर के शमशेरा की तो ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी 22 जुलाई 2022 को इन थिएटर्स। अगली अपडेट है स्पाइडरमैन नो वे होम से एंड वो ये है कि ये मूवी दुनिया की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है विद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ इतना जो कि शायद मुझसे बोला भी नहीं जाएगा। तो खैर जो भी है आप में से किस किस को लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इस मूवी के कलेक्शन को बीट कर लेगी तो नीचे #YES या फिर NO करके अपना ओपिनियन देना मत बोलना। अब देखो हाल ही में DC ने एक टीजर रिवील किया है जिसमें कि उन्होंने 2022 में आने वाली अपनी सभी अपकमिंग मूवीज की कुछ झलकियां दिखाई है स्पेशली ब्लैक एडम की जो कि साल की मच अवेटेड मूवी है एंड वाकई ड्वेन जॉनसन को एज अ ब्लैक एडम देखकर मजा ही आने वाला है। पर एक ख्वाहिश ये भी थी कि काश सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम हो जाए पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि द फ्लैश मूवी सब कुछ इरेज करने वाली है। अब अगली अपडेट है इन दोनों से जहां पर ये शो ऑफिशियली हिंदी डब में आ चुका है वूट पर डेक्स्टर न्यू ब्लड। और वहीं अगर बात करें इस मूवी की तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि जल्द ही आपको इस मूवी की एक सीक्वल टीवी सीरीज देखने को मिलेगी एंड हाल ही में इसके बारे में ऐसी अपडेट है कि अमेज़न प्राइम वो प्लेटफॉर्म है जो कि इसकी सीक्वल टीवी सीरीज पर काम कर रहा है ब्लेड रनर 2099। बाय द वे आप इसे कौन कौन शो के लिए वेट कर रहा है तो नीचे #me कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर बात करें कि ये शो आपको कब तक देखने को मिल सकता है तो देखो फिलहाल कोई ऑफिशियल रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है पर जहां तक है ये सीरीज आपको इस साल तो देखने को नहीं मिलेगी मे बी 2023 के मिड तक। अब देखो अगर बात करें दी अम्ब्रेला एकेडमी पार्ट 3 के बारे में तो हाल ही में शो की एक्ट्रेस एलिसन हार्ग्रीव्स ने इस शो के रिगार्डिंग एक अपडेट दी है एंड वो ये है कि प्रेजेंट टाइम पर इस शो का ADR वर्क चल रहा है यानी कि ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट इन शॉर्ट डबिंग हो रही है एंड साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी सीरीज का काफी सारा काम पेंडिंग है तो इसीलिए इसके हाईली चांस बनते हैं कि ये शो आपको समर 2022 तक ही देखने को मिल पाएगा मे बी स्ट्रेंजर थिंग सीजन 4 के आगे पीछे। और बाकी शो की अपडेट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले से ही बना दिया है तो जाकर देख सकते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पर फ्यूचर में शो के बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो बस फिर आज के लिए इतना ही और अगर गलती से भी वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर क्योंकि आप ऐसे कुछ लोग तो करते हैं और कुछ नहीं करते। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत।